और हमारे साथ हरियाणा के तीन धुरंधर प्लेयर हैं जो हमारी यू मुंबा टीम में इस साल खेल रहे हैं। तो कल जो हमारा मैच हुआ उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इनसे हम आज पूछेंगे। हमारे साथ हैं प्रिंस, रिंकू नरवाल, आशीष सागवान, हमारे साथ आज हमारे साउथ अफ्रीका के जो सात छह छक्के मारे थे युवराज, हमारे युवराज और हमारे हैं रिंकू शर्मा और एक हमारे हैं आशीष सागवान जो 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं और 10 नंबर की जर्सी एक और पहनते हैं मेसी और 10 नंबर की जर्सी एक और पहनते हैं रिव्यू सक्सेसफुल 10 कबड्डी संदीप नरवाल। तो आज हमारी इनसे छोटी छोटी बातें होंगी कल के मैच पे। तो कल जब मैच हमारा जब स्टार्ट हुआ तो शुरू में रिंकू शर्मा ने तो अच्छा टैकल किया और एक टैकल में ये रोहित गुलिया का शायद पैर छूने गए, आशीर्वाद देने गए या टैकल करने गए, पता नहीं गया उसकी मशीन लड़का है। नहीं चलवान वो क्या है कि उसको मैंने अगर मैं हर बार टैकल करता तो रेड डालने नहीं आता, इसलिए एक दो बार छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट बार नहीं, इस पे प्रिंस बताएगा कि क्या किया इसने। कुछ नहीं किया, वैसे लग रहा था बस वैसे ही दे रहा उसको, दोनों इसकी कोई रिश्तेदारी से आशीर्वाद लिया इसने, दो बार पैर पकड़े इसने उसके, कोई जरूरत नहीं थी इन्हें पैर पकड़ने की। और आप दोनों रूम पार्टनर हो तो मैच खेल के जब आते हो तो क्या रहता है रिंकू से और आपका क्या रहता है, मतलब कैसा रहता है, हंसते हो कि सीरियस हो जाते हो? ये छोटा छोटा करके बार में तो आपको साउथर्न इंडिया के बारे में कुछ बताता रहता है, क्या मतलब है? ऐसा क्या रहता है? गलती करो जब तो सीरियस हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। और वैसे तो मस्ती, कौन सी मस्ती? मस्ती। और आशीष भाई साहब, आप मेसी के नंबर की जर्सी आप पहनते हो, जागो आप। जागो ग्राहक, जागो। सो रहे जाग तो रहे, जाग रहे हो। प्रिंस तो बताओ, आपको भी एक मैच में मौका मिला था, उस दिन पैर के साथ आप खुद ही उस टीम में जा रहे थे, मतलब पैर पकड़ने गए, वो खींच के ले जा रहा था आपको, तो आप फिर वापस रिंकू ने मोना के नहीं नहीं इधर आ जाइए हमारी टीम में, वो दूसरी टीम नहीं गया, नहीं गया ना। हाँ, ये सावधानी वाला काम किया आपने, आपने आपको अपनी टीम की जैसी याद रही है ना। नहीं नहीं जा रहे थे, उसका जब पैर पकड़ा ना तो झटके खा के जा रहे थे, मैंने देखा तो ट्राई करना ही था। कोई नहीं, रिंकू ये तुम्हारी शादी के पीछे क्यों पड़ा रहता है, मतलब इसको क्या मिलेगा, गांव अलग है और ये दूर रहता है आपसे? कुछ नहीं, इसको इसको क्या, इसको नाचने का शौक है, एक दिन मेरी शादी होगी तो नाच लेगा, बाप की बर्बादी पे नाचता रहेगा। रोज रोज जो आपके नाक और गले में यहाँ तक डालते हैं वो आर्टिफिशियल, क्या आपको क्या फील होता है? आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, जो हमारा कल का जो मैच था उसके बारे में थोड़ी बातें हुई, सावधान रहे, सतर्क रहे और नए एपिसोड के साथ फिर आ रहे हैं फिर आ रहे हैं।